इंग्लैंड में 1937 में एक रेड कलर की बस चलाई गई थी। उस बस का नंबर था सेवंथ। सेवंथ मतलब सात समुद्र पार, सात इफेक्ट। सेवन नंबर ही एक ऐसा होता है जिसे लोग देखने के बाद, सुनने के बाद उस बस के बारे में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं होने लगी थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस बस के बारे में लोगों का कहना था कि ये बस ड्राइवर लूस बस है, इसमें ड्राइवर नहीं है। तो रात में एक ओनर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो उसे ये महसूस हुआ कि मेरे पीछे से एक बस बहुत स्पीड में आ रही है, तो वो उसको साइड देने के लिए डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टकराने के बाद उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गई, जो कि अंडर स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ऐसे केस उस नाइट बस की वजह से इतने ज़्यादा हो गए कि पुलिस और पब्लिक दोनों भय में लगने लगे। तो उस भय को दूर करने के लिए वहाँ की जो पुलिस थी, उन्होंने बहुत सारे कैमरे या बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी थी उनका उपयोग किया, लेकिन वो बस किसी किसी लोगों को दिखाई देती थी, ना कि एविडेंस के रूप में किसी को नहीं मिलती थी, गवर्नमेंट को नहीं मिल पाती थी वो। फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो उस समय 1937 में जो रोड होती थी, जो स्पेस होती थी, वो बहुत कम हुआ करती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस रोड को थोड़ा सा चौड़ीकरण करवाया और उसमें थोड़ा सा जहाँ पे गड्ढे थे तो उसको वहाँ पे थोड़ा गिट्टी डलवाया और भी मरम्मत करवाया, जिसकी वजह से रोड थोड़ा सी चौड़ी हो गई और फिर लोगों का जो है आना जाना और गाड़ियों का रात में चलना ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, लेकिन केसेस थोड़ा सा कम हुए। केसेस कम होने के बाद उस बस की जानकारी के लिए लोगों का सवाल आते रहे कि ये बस कहाँ गई और क्यों नहीं मिल पा रही है, इतने सारा इसमें केसेस भी हुए हैं। तो लोगों के अंदर खौफ तो था ही, लेकिन गवर्नमेंट ने उस बस को जैसे भी उसको, एक्चुअली होता क्या है कि गवर्नमेंट पब्लिक को हमेशा कुछ ना कुछ नई मतलब बताते रहते हैं ताकि लोग घबराएं नहीं और लोग मतलब यात्रा भी अच्छे से कर सकें और इससे कोई तकलीफ ना हो लोगों को। गवर्नमेंट ने बताया कि उस जो बस का प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी हैं और उसमें अब जब से रोड बन चुकी है तब से वो बस भी आराम से आसानी से निकल पा रही है और लोगों की भी मतलब जो भी स्ट्रगलिंग है आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लोगों का अंदर से जो डर था वो दूर हुआ और उसके बाद वो बस किसी को दिखी भी नहीं और बाकी जो लोग ड्राइव करते थे वो बहुत आराम से अपने घर जा सकते थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।